सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई किचन में, रोटी खाती हूँ। मैंने सब्जी वगैरह काट के सारा कुछ रख दिया है। ये रही मेरी कद्दू की सब्जी और यहाँ पे लहसुन भी काट दिया है और ये रही मेरी इधर दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है, दूध भी गर्म हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का शायद, तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग के शायद 8 या 9 बज रहे होंगे, मैंने करेक्ट टाइम नहीं देखा। तो सुबह का सारा काम मेरा हो गया है, चाय भी पी लिया था, झाड़ू पोछा भी लग गया, सब्जी भी काट के रख दी है। तो अभी जाती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग में बने रहिएगा और उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आता होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप सभी को, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं काम, यानी अभी नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर बनाते हैं खाना। और आज है संडे, संडे को तो बच्चों को छुट्टी होती है, तो इसलिए लंच वगैरह सुबह कुछ भी नहीं बना, सिर्फ चाय ही बनी थी। और सारा काम हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं, कपड़े भी धुल गए, सारा कुछ हो गया है, सिर्फ अब नहा के खाना बनाना है। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, सच बताऊं, आज मैं एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करते समय देख सकते हैं मेरा पसीना कैसे निकल रहा है, देख सकते हैं टप 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 करके पूरे फेस से पसीना ही पसीना। मैं कैसे दिखाऊं, उस दिन भी मैंने दिखाया था आप सभी को, मतलब पूरा पानी पानी निकल रहा है, जबकि मेरा पसीना वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं आता है। लेकिन एडिटिंग कर रही थी, फ़ैन वगैरह देख सकते हैं ऑफ़ करके ही एडिटिंग करते हैं, तो फिर उसमें इतनी गर्मी में रूम में अंदर बैठ के, क्योंकि ऐसे आवाज़ आती है, फिर ऐसे एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। देख ही सकते हैं, मेरे पसीना कभी भी नहीं आता इतनी जल्दी, बस इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और एडिटिंग करते हैं सब फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके, तो फिर होता ही है, तो वही पसीना आ रहा है। अभी मैंने एडिटिंग कम्प्लीट कर दी है, जाते हैं वीडियो अपलोड करते हैं, 2 बजे का टाइमिंग है मेरे वीडियो आने का। तो चलते हैं फटाफट से, अब जाते हैं पंखे में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, एडिटिंग करते हैं। सभी लोग एडिटिंग करते होंगे तो ऐसे ही होता होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग नहीं मानेंगे, इसलिए मैं अभी कॉटन वाले कपड़े से मैं पोंछ के दिखाती हूँ कि मेरा इसमें पसीना निकला कि नहीं। देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, और अभी मैं ऐसे पोंछूँगी और आपके सामने ही दिखाऊँगी, तो पता चलेगा पसीना निकला कि नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा पसीना दिखा क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पसीना है इसमें, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पसीना है। तो इस मेहनत के लिए, यानी मेरी मेहनत के लिए, एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जाती हूँ बाहर, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, और जाती हूँ बाहर, वीडियो अपलोड करती हूँ। एडिटिंग हो गई है मेरी, बस अपलोड करते हैं, 2 बजे का टाइमिंग है। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आप लोग मेरी मेहनत को एक लाइक करिएगा, मैंने मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और फ्रेंड्स, अभी बच्चे जो है खोल रहे हैं अपना पार्सल, क्योंकि इन लोगों ने ही ऑर्डर किया था, मतलब अपनी बोतल मंगाई थी पानी वाली, अभी ने मंगाया था, तो वही बच्चे ही आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी। तो देख सकते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं जब उनका कुछ सामान होता है, तो वो एक्साइटेड होंगे ही, और हम लोगों का जब कुछ भी आता है तो हम लोग कितने ज़्यादा खुश होते हैं, तो वैसे बच्चे भी होते हैं, जब बच्चों का सामान आता है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो देख सकते हैं, दोनों अभी बना रहा था वीडियो और शगुन जो है अनबॉक्सिंग कर रही है, तो आप लोग भी देखिए। और बोतल बहुत ही अच्छी थी, छोटी है लेकिन बच्चों को पसंद है, उन लोगों ने ही ऑर्डर किया था, जबकि मैं बोल रही थी छोटी है, लेकिन उनको जो पसंद होता है फिर छोटी बड़ी बच्चे नहीं देखते। तो देख सकते हैं, दोनों मिलकर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और आप सभी को कैसी लगी ये वाली बोतल ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सबसे बात, बच्चों को पसंद है, जिसको ले जाना उनको पसंद है, तो हम लोगों को क्या करना। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बजे हुए हैं 9 और 9:36 हो गए हैं, तो 9:36 हो गए हैं और अभी मैं किचन में हूँ, यानी सारा काम तो ख़त्म हो गया, खाना भी बन गया था, खा भी लिया, और मैं इस समय किचन का बिल्कुल भी कुछ नहीं सूट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी होती है, फिर यहाँ का नहीं सूट करते, सोचते जल्दी जल्दी से किचन में खाना बना लें, फिर पंखे के सामने बैठ के यानी खाना खाएँ या कुछ भी करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी दूध पक रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पर किचन में रुकी हूँ, तो दूध पक जाता है और खाना हम लोगों ने खा लिया था, और उसके बाद सगुन ने पास्ता बनाया। मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, खा के चली भी गई है,
ये देखिए, ये मेरे लिए इतना बंद करके रख दे, ये देखिए, क्योंकि मैं बर्तन धुल रही थी, इसका खाने का मन किया और ये अपना नहीं खा पाई तो यहाँ पे ये रख के चली गई। तो इसको जाते हैं अभी खाते, क्योंकि खाना खा चुके तो मन ही नहीं करता, तो खाना खा ही चुके हैं तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल खाने का, लेकिन रखा है तो खा लेंगे थोड़ा सा। और थोड़ा ही बनाई थी क्योंकि सब लोगों ने खाना खा लिया था, लेकिन उसका मन था बनाने का, तो फिर बना ली, तो फिर खा लेते हैं थोड़ा सा। तो दूध गर्म हो जाता है, फिर इसको जो है बाहर ही रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। और फ्रिज में कभी भी गर्म दूध नहीं रखना चाहिए, इससे फ्रिज ख़राब हो जाता है, सभी को पता ही होगा। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ जो मुझे पता होती है, जो जिसकी नॉलेज होती है मुझे, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो फ्रिज में कभी भी गर्म दूध तुरंत गर्म करके और फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो बताना चाहिए, जो मुझे पता है वही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मॉर्निंग में आप सभी से, क्योंकि ब्लॉग तो आज स्टार्ट किया था, बन ही नहीं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है आज, तो चलते हैं इसको खाली करते हैं। और बहुत ही टेस्टी छोले की सब्जी बनी है, आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो जाते हैं इसको भगोने में खाली करके रख लेते हैं। ये देखते हैं सब्जी मैंने निकाल के रख दिया है, इसमें चलते हैं वो मरीज बंद कर देते हैं और ये कढ़ाई खाली कर लेते हैं। देख सकते हैं लोहे की कढ़ाई है और कुछ बनता है तो एकदम साफ़ हो जाती है, अंदर तो बहुत ही साफ़ रखती है। मतलब ये कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कढ़ाई साफ़ नहीं होती, लेकिन ये देख सकते हैं पूरी वाइट है, बहुत अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाती है और अच्छी लगती है लोहे की कढ़ाई में, इसीलिए आपको काला काला दिख रहा होगा। तो लोहे की कढ़ाई में तो काली सब्जी हो ही जाती है, इधर देखिए उसका थोड़ा एकदम पूरा येलो कलर नहीं हुआ है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की वजह से येलो, देख सकते हैं यही होता है। और इधर सो फ्रेंड्स, अभी किचन का काम पूरा ख़त्म हो गया है, यानी खाना बन गया है। और सगुन बोल रही थी बहुत ही टेस्टी बने हैं छोले, तो कभी कभी बन जाते हैं, कभी कभी ख़राब बनते नहीं, तो अधिकतर तो छोले मेरे अच्छे ही बनते हैं। तो अभी सगुन से पूछती हूँ और बताती हूँ कैसे बने, तो सगुन तो नहीं देख, तो फ्रेंड्स अभी बना दिया है, चलते हैं, बहुत लग रही है, चलते हैं छत पे।